Hello, my dear YouTube family. Welcome to my channel Medicos Study Point. Myself, Dr. Vikas Yadav. I'm an MBBS intern doctor. आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ डॉक्टर इन इंडिया. इंडिया के अंदर एक MBBS डॉक्टर कैसे बना जाता है. मैं स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेसेस बताऊंगा. व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिससे कि आप इंडिया के अंदर एक लीगलाइज्ड डॉक्टर बन पाओ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों के पास आफ्टर 10th बायोलॉजी स्ट्रीम होना कंपलसरी है. यानी कि जब आप 10th पास कर लेते हो तो आपको अपनी सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं, स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है. लाइक जैसे कोई मैथ्स ले लेता है, कोई बायोलॉजी ले लेता है, कोई आर्ट्स ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है. तो अगर आपको इंडिया में एक डॉक्टर बनना है तो आप लोगों को 10th के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा साइंस के अंदर. और इसके अंदर क्या क्या होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड हिंदी. ये ऑप्शनल आ जाता है. हिंदी की जगह आप बायोटेक्नोलॉजी या कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो. मैं नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ तो मैंने हिंदी की जगह बायोटेक्नोलॉजी लिया था. तो ये 5 सब्जेक्ट्स आपके 11th एंड 12th में होना कंपलसरी है. बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों कंपलसरी हैं. ये होने ही चाहिए तभी आप एक MBBS डॉक्टर इंडिया में बन सकते हो. ठीक है, आपने 11th, 12th इन सब्जेक्ट से पास कर लिया. अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू गिव अ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल ओवर इंडिया, जिसका नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं नीट. तो ये जो एग्ज़ाम है ये नेशनल लेवल पे कराया जाता है. ऑल ओवर इंडिया के हर एक स्टेट से बच्चे इसको देते हैं. और लगभग अगर मैं इस साल का डाटा आपको बताऊं तो लगभग 18 लाख बच्चों, 18 लाख स्टूडेंट्स हैव गिवन दिस एग्जाम. इस साल 18 लाख बच्चों ने ये पेपर दिया था. तो वैसे ही अगर मैं आप लोग अब 23 में देना पाओ चाहोगे तो ये बच्चे 18 लाख से 20 लाख हो जाएंगे. यानी कि 20 लाख बच्चों में आपको कॉम्पीट करना है. अगर मैं एक मोटा मोटा अंदाज़ा दूँ रिगार्डिंग ऑल द गवर्नमेंट सीट्स, तो लगभग आपकी 50 to 60,000, 50 से 60,000 सीट्स के अंदर आपको कॉम्पीट करना है. तो ये हो गया आपका एग्जाम. तो ये कब दे सकते हैं, 12th जब आप कर लेते हो, आफ्टर 12th ये एग्जाम आप दे सकते हो. 12th आपने जैसे ही क्लियर किया, इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होता है. जब भी स्टार्ट होता है आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए, यूट्यूब से आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिलती रहेगी. जब भी ये फॉर्म आएगा आपको लोगों को फॉर्म भरना है. देन आपका एक एग्ज़ाम डेट रिलीज होती है कि भाई इस तारीख को आपका पेपर है, उस तारीख को आपको पेपर देना होता है. एंड आफ्टर द एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर होता है. उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है, अब जब मेरिट लिस्ट बनती है तो ये दो टाइप की मेरिट लिस्ट बनती है. एक होती है आपकी, इसके बाद रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग शुरू हो जाती है. काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया में से कहाँ कॉलेज मिला है. तो एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड सेकेंड होती है स्टेट काउंसलिंग. तो स्टेट काउंसलिंग मतलब अगर आप मध्य प्रदेश के हो, जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो मध्य प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो 85% सीट है, यानी कि 85% सीट्स जो हैं वो केवल मध्य प्रदेश के बच्चे ही ले सकेंगे. तो उसमें बाहर का बच्चा एडमिशन नहीं ले पाएगा. बाकी जो 15% सीट है वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से आके ले सकता है. तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग सारे इंडिया के कॉलेजेस के लिए कॉमन होती है, जिसमें 15% सीट फिक्स होती है हर एक स्टेट के मेडिकल कॉलेज की. और जो 85% सीट होती है वो स्टेट का रिजर्व्ड सीट होती है उसी स्टेट के कैंडिडेट्स को. ये हो गया आपका काउंसलिंग प्रोसेस. जब आपके नंबर आते हैं, फिर आप जब रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है, काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो चॉइस फिलिंग होता है जिसमें आप अपने मन पसंदीदा कॉलेजेस भरते हो कि भाई मुझे ये कॉलेजेस चाहिए एक ऑर्डर में. उस ऑर्डर में जब आप कॉलेज भरते हो फिर आपका रिजल्ट आता है काउंसलिंग राउंड 1 का, चॉइस फिलिंग का. उस रिजल्ट में आपको जो कॉलेज अलॉट होता है वहाँ जाके आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं और आपको एक MBBS मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाता है. ऐसे करके आप एक MBBS कॉलेज में एडमिशन लेते हो. जब आप MBBS में एडमिशन लेते हो फिर वहाँ पे आपको 5.5 साल की डिग्री कंप्लीट करने में समय लगता है. 4.5 साल तक आप फाइनल ईयर कंप्लीट करते हो. 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है जो आप MBBS ख़त्म होने के बाद, डिग्री ख़त्म होने के बाद, फोर पॉइंट फोर फाइव ईयर्स, जब 4.5 साल आपका फाइनल ईयर कंप्लीट करते हो उसके बाद जो 1 साल होती है उस इंटर्नशिप को कंप्लीट करते हो, तब आपको एक डिग्री मिलती है. एंड देन यू आर सर्टिफाइड MBBS डॉक्टर इंडिया के अंदर. तो ये जो सारी स्टेप मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बताई है,
इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है इंडिया में डॉक्टर बनने का। तो जो लोग आपको बोलते होंगे कि पैसे दे दो, ये कर दो, हम इसमें एडमिशन दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दे आर ऑल फ्रॉड, दे आर ऑल स्कैमर्स। यू जस्ट हैव टू बी यू नो बी सेफ फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉडस्टर्स। तो उन लोगों से बच के रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक डॉक्टर से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड 100% ट्रू और ऑथेंटिकेटेड मिलेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस।